हेलो गाइस, दिस इज विजय सादा फ्रॉम एकतमम एकेडमी। आपको बता दूं, मैं आज पेपर 7 CA फाइनल पेपर 7 का आपका पेपर आने वाला है और मैं आपको बता दूं आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, अपने 1.5 दिन को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है। यस, आपका हो सकता है ऑप्शनल पेपर खत्म हो चुका हो, तो ये जो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो बच्चे जिनने इंटरनेशनल टैक्स सिलेक्ट किया था, पेपर 6 से सिलेक्ट किया था, और दूसरे वो कैटेगरी जिन्होंने ये पेपर ना सिलेक्ट करके कोई अदर पेपर सिलेक्ट किया था। तो इनका ऑप्शन मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन पेपर 6 सी जिन्होंने सिलेक्ट किया था वो अपना स्टडी प्लान 1.5 दिन का किस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपना ऑप्शनल पेपर इंटरनेशनल टैक्स देकर के आएंगे, अब आपका इंटरनेशनल टैक्स एक बार रिवाइज हो चुका है तो आपका पूरा स्ट्रेंथ किसके ऊपर डालना है, डीडी के ऊपर डालना है। शाम में 7 से 9:30 बजे तक के आप लोगों ने जो रिवाइज करना है वो है कैपिटल गेन, IFOS, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। जनरली ये चार चीजों का क्वेश्चन मिक्स आता है, तो आपने इन चारों को एक साथ रिवाइज कर लेना है। 7 से 9:30 बजे तक के खत्म हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद आधी घंटे का खाने का ब्रेक ले लो। इसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक के, जी हाँ, 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक के चैरिटेबल ट्रस्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, राइट। तो ये जो ट्रस्ट वाले जितने भी टॉपिक है ये आपको 10 बजे से रात में 1 बजे तक कंप्लीट करना है, दिन का काम खत्म, रात में 1 बजे आप सो जाएंगे। अगले दिन का टारगेट रखिए सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक का आपका पहला स्लॉट होना चाहिए, जिसमें आप एक और बड़ा टॉपिक लेंगे जो होगा आपका PGBP प्लस डिडक्शन प्लस TDS प्लस टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड टैक्सेशन ऑफ HUF। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, PGBP प्लस डिडक्शन प्लस TDS प्लस फर्म प्लस HUF सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक के आप मेक श्योर करिए कि आपका खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद आपको 12 से 4 का एक स्लॉट उठाना है। 12 से 4 में आपके जितने असेसमेंट प्रोसीजर वाले टॉपिक है, रिटर्न हो गया, असेसमेंट हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, अपील हो गई, सर्च हो गई, ये सारे टॉपिक 12 से 4 के बीच में आपको खत्म करने हैं। हर टॉपिक को 1 से 1.5 घंटे का एलोकेशन करना है, और याद रखें इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनके मेन क्वेश्चन को देखना है। जब भी आप कोई टॉपिक उठाएंगे उसके साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चन जो आपने या 3 क्वेश्चन मैक्स जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे होंगे वो आपको देखना है। नेक्स्ट स्लॉट उठेगा 5 से 7 बजे तक का, 2 घंटे का। यहां पहले अगर तो टॉपिक का कोई बैलेंस है तो वो कंप्लीट करो, और मेन 3 टॉपिक उठाना है, इंटरेस्ट क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पेनल्टी क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, एंड देन असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी के जो छोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे कोऑपरेटिव टैक्सेशन हो गया, आपके कोई जितने भी छोटे टॉपिक्स बचे हुए हों, टेरेस्ट टैक्सेशन हो गया, मैट हो गया, ये आप 5 से 7 के बीच में खत्म करिए, मैक्स 7:30 बजे तक के आप इसे खत्म कर देंगे। फिर 1 घंटे का 8 या 8:30 का, जैसा भी आपका टाइम जमता है, आपको खाने का ब्रेक लेकर के 8 बजे फिर से बैठना है। अब यहां पे आपको आपका इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट उठाना है, जो आप ऑलरेडी एनआर टैक्सेशन में पढ़ चुके होंगे। तो पहले एनआर उठाइए, एडवांस रूलिंग उठाइए, रेजिडेंशियल स्टेटस उठाइए, MTC एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपको 8 से 12:30 में सब खत्म कर देने हैं, जिसमें आपका मेजर अदर टॉपिक पूरे कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो हमारा एक और बड़ा टॉपिक बाकी है, वो है TP। तो अगले दिन सुबह जिस दिन पेपर है सुबह 6:30 बजे उठना है, 6:30 से 8:30 में आपको TP प्लस मिसलेनियस आपके जितने टॉपिक बचे हैं वो सब कंप्लीट कर देने के हैं। यस, इसके बाद में 9 से 10:30 का टाइम आपका RTP एंड अमेंडमेंट्स का टाइम होगा। पहले आपने RTP कर रखा है तो अब सिर्फ अमेंडमेंट करना है, एक बार अमेंडमेंट दे करके जाना है। और उसके बाद करीब 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के एक बार MTP में आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा तो MTP आपको देख करके जाना है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। यस, आपका जो MCQ का डाइजेस्ट है वो आपने एक बार, अगर मान लीजिए RTP MTP पहले हो चुका है, तो आपका जो MCQ का प्रैक्टिस है, MCQ का डिटेल आपको ACA की वेबसाइट पर दिया हुआ है, वो एक बार उठा करके रैंडमली 5-6 MCQ आपको सॉल्व कर देना, ताकि आपको उसको डर ना लगे। तो ये हो गई पहली कैटेगरी जिन लोगों ने इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6 ही सिलेक्ट किया था। मान लीजिए अगर आपने पेपर 6 ही इंटरनेशनल टैक्स सिलेक्ट ना करके कोई अदर सिलेक्ट किया होगा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको मेजर टॉपिक्स, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पहले खत्म करने हैं। तो आपका टाइम शेड्यूल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिस दिन आप कॉस्टिंग का पेपर देकर के, सॉरी ऑप्शनल पेपर देकर के आए, ऑप्शनल पेपर देने के बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के शुरुआत में ही आपको ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरनेशनल टैक्स के मेन ये टॉपिक सारे आपको एक साथ कंप्लीट कर देने हैं। 1 घंटे का ब्रेक लीजिए 10 बजे से 12:30 बजे तक के, 10 बजे से 12:30 बजे तक के NR प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस इंटरप्रिटेशन खत्म कर दीजिए। इन शॉर्ट, आपको जिस दिन आप ऑप्शनल पेपर देख के आए, आपका 30 मार्क का इंटरनेशनल टैक्स आपको उसी रात में खत्म कर देना है, चाहे आपको 12:30 1 बज जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उसी रात आपको कंप्लीट करना है, तो जाके आपका DT का पोर्शन कवर हो पाएगा, नहीं तो DT इतना वास्ट है कि आपका कंप्लीट नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 का टारगेट रखिएगा, कुछ 6 से 9 बजे तक का जो आपका टाइम होना चाहिए वो PGBP IFOS प्लस सेट ऑफ में जाना चाहिए, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन आता है, तो PGBP IFOS एंड सेट ऑफ आपको कंप्लीट करना है। आधे घंटे का ब्रेक लीजिए 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के, 9:30 से 12:30 बजे तक के या 12:15 बजे तक के आपका वही असेसमेंट, रिविजन, अपील, सर्च, सर्वे वाला टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। यहां टाइम लिमिट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स आपको पढ़ावा नहीं था, तो यहां आपके थोड़े से इधर टाइम लिमिट आपको क्या करने पड़ेंगे, एब्सॉर्ब करने पड़ेंगे।
कुछ 12:15 या 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो टाइम होगा, यहाँ पे आपको आपके छोटे टॉपिक जैसे टैक्स कैलकुलेशन हो गया, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन हो गया, अदर टैक्स कैलकुलेशन, प्लस आपको डिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि डिडक्शन इन ऊपर वाले टॉपिक्स के साथ मैच करके आता है। तो वो आपको 1.5 घंटे में क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। मेजर मेजर जो सेक्शन है उनको फोकस करना है। याद रखिए एग्जाम डे के ऊपर जितने भी सेक्शन होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन होंगे जिसको आपको फोकस करना है। 1 घंटे का खाने का ब्रेक लीजिए, करीब 2:30 से लेकर 5 बजे तक के आपके वापस से कैलकुलेशन वाले पार्ट आ रहे हैं। आपको यहाँ पे कैपिटल गेन हो गया, IFOS हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, टैक्सेशन ऑफ फर्म, HUF, कोऑपरेटिव हो गया, ये जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं वो वाले टॉपिक आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो करीब 5 बजे तक का आपका टाइम है, कुछ 2.5 घंटे के अंदर में या 3 घंटे के अंदर में मैक्स आपको क्या करना है, ये वाले टॉपिक खत्म करने हैं। करीब 1 घंटे का ब्रेक यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और बफर टाइम भी रख रहा हूँ। उसके बाद आपको 6 से 8:30 बजे तक का टाइम यूज करना है। 6 से 8:30 बजे तक का टाइम चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए यूज करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये वो टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ आपका कुछ 6 से 8:30 बजे तक का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है मेन टॉपिक जो आता है रात में 9 से 12 बजे तक का। रात 9 से 12 बजे तक का यू नो आपका TDS का टॉपिक उठना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आपका मेन TDS और जितने मिसलेनियस टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं वो यहाँ आपको कंप्लीट करने हैं, अगर आपके कोई कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है आपको 9 से 12 बजे तक का। यहाँ आपका सेकंड जो हॉलीडे वाला पार्ट है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे द एग्जाम डे, अगेन आप सुबह 6:30 बजे उठेंगे, 6:30 से 8:30 में सबसे पहले आपका मैट AMT वाला टॉपिक होगा या कोई बैलेंस टॉपिक होगा तो वो आपको कंप्लीट करना है। देखिए एग्जाम डे है, यहाँ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं लाइन से एक एक लाइन पढ़ते बैठूंगा, नहीं। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आपको क्या करना होता है, बड़े टॉपिक्स को हाथ लगाना होता है। तो आपको थोड़ा स्पीड में रीड करना पड़ेगा। 9 से 10:30 बजे तक के आपको अमेंडमेंट RTP MTP का टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो अमेंडमेंट RTP MTP का टाइम देखिए, वो कंप्लीट कीजिए। 11 से 12:30 बजे तक के MTP या कोई बैलेंस टॉपिक होगा, अमेंडमेंट होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। कोई केस लॉज होंगे तो इस बार के जो जुडिशियल अपडेट वाले पार्ट है वो भी एक बार देख करके चले जाना, और मेरे हिसाब से 12:30 बजे तक का आपका टाइम खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई रोक देना चाहिए और पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। याद रखिए आपका जो DT का पेपर होता है ये हमेशा लेंथी ही होता है, राइट? तो हमेशा सीक्वेंस क्या रखनी चाहिए, और ABC एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल के ऊपर, तो आप जाकर के देख सकते हैं, गाइडेंस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगा। ABC एनालिसिस देख लो, आपको मैंने बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ के ही जाने हैं, तो वो वीडियो को मिस मत करना, वो जाकर के एक बार देख लेना। यस, फास्ट ट्रैक मैंने पूरा का पूरा डाला हुआ है। लास्ट डे पे मैराथन एंड अदर चीजें देखते मत बैठना, रीजन बीइंग कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर वो करोगे तो आपकी अदर चीजें छूट जाएगी। तो ये एक बार टाइम शेड्यूल फॉलो कर लेना, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।